चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। 10 मई को केदारनाथ के कपाट खोलेंगे और एक तरफ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो यहाँ पर केदारनाथ जी की मूर्ति है, जो डोली है, वो यहाँ पर चल चुकी है और अब गौरीकुंड के पास यहाँ पर पहुंच चुकी है और ये गौरी माई का मंदिर है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है और उसके बाद कल यानी कि 9 मई की सुबह करीब 6-7 बजे डोली जो है यहाँ से चलेगी और उसके बाद कल ही जो है वहां पर यानी कि परसों सुबह तक बताया जा रहा है कि डोली वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि 7:15 पर कपाट खुले हैं और तब तक जो है डोली वहां पर पहुंच जाएगी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि उत्साह भी यहां पर काफी ज्यादा इस यात्रा में इस बार भी लोगों का देखने को मिल रहा है और ये जो भीड़ है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी कुछ यहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और ये देखिए जब ये भीड़ तब की है जब यात्रा अभी शुरू नहीं हुई, मतलब कि अभी कपाट खुले नहीं, उससे पहले इस तरह का नजारा देखने को मिल रहा है। इतना उत्साह और जोश यहाँ पे श्रद्धालुओं को देखने को मिल रहा है और जैसे ही कपाट खुलेंगे तो उस दिन का क्या नजारा होगा आपको हम जरूर वहां पर जाकर दिखाएंगे। तो आप उत्तराखंड तक को लगातार देखते रहिए और हर चारधाम यात्रा से जुड़ी तमाम जो जानकारियां हैं वो आपको यहाँ पर जरूर मिलेंगी। उत्तराखंड तक के लिए सरिता तिवारी की रिपोर्ट।